नमस्कार, इन खबर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं मीरा वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, जहाँ लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस। राज्य का दर्जा मिलेगा वापस। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा चुनाव की संभावना को तलाशने के लिए कमीशन की एक फुल बेंच संभवत 12 से 13 मार्च को राज्य का दौरा कर सकती है, तभी से वहां पर चुनावी माहौल बनने लगा है। सियासी दलों में जोड़ गठजोड़ या एकला चलो पर बहस शुरू हो चुकी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को संघ शासित के लिए राज्य का दर्जा वापस मिलने की तारीख नजदीक आ गई है। हालांकि भारत की संघ सरकार ने जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड लौटने का मन तो उसी वक्त बना लिया था जब डीडीसी के चुनाव करवाए गए थे। 5 अगस्त 2019 के बाद डीडीसी के इलेक्शन जम्मू कश्मीर में संघीय सरकार का पहला प्रयोग था, जो काफी हद तक सफल भी हुआ। हालांकि इन चुनावों में बीजेपी एक पाले में और दूसरे पाले में 6 सियासी पार्टियों का संयुक्त संगठन। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी। ये 6 पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, CPIM, पीपल्स मूवमेंट और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस। इस गठबंधन को डीडीसी के इलेक्शन कुल मिलाकर 110 सीट मिली थी, लेकिन 19 जनवरी 2021 को 8 सीटों को जीतने वाली पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने गुपकार अलायंस से नाता तोड़ लिया। इस तरह 28 नवंबर 2020 को हुए डीडीसी इलेक्शन में 75 सीटों को जीतने के बाद बीजेपी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी। बीजेपी के मुकाबले था 6 दलों का गुपकार अलायंस। इन चुनावों के बीच में बीजेपी एक पाले में थी और दूसरे पाले में 6 सियासी पार्टियों का संगठन। हवा में उड़ गया गुपकार अलायंस। इन चुनावों को 3 साल हो चुके हैं। किसी भी पार्टी का कोई भी मेंबर कहीं गया हो, लेकिन बीजेपी के टिकट पर जीत कर आए डीडीसी के मेंबर्स अभी तक इंटैक्ट हैं। इन 3 सालों में जम्मू कश्मीर में विकास भी खूब हुआ है। गुपकार अलायंस खंड खंड हो चुकी है। 2 करोड़ से ज्यादा सैलानी पहुंचे जम्मू कश्मीर। आजादी के बाद पहली बार 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर आए। केंद्र पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा को बताया कि आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक जम्मू कश्मीर आए हैं, और इसका श्रेय अनुच्छेद 370 को निरस्त किया जाता है। यूनियन गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर को दिए 58,477 करोड़। दिल्ली में बैठी संघीय सरकार ने राज्य के राज्यकाल के माध्यम से जम्मू कश्मीर में 58,477 करोड़ लागत की 53 परियोजनाएं शुरू की थी, जिसमें से 33 पूरी हो चुकी हैं और बाकी पे काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि सितंबर तक जम्मू कश्मीर में आम चुनाव कराए जाएं और राज्य को उसका अधिकार वापस दिया जाए। इस समय सारी परिस्थितियां बीजेपी के पक्ष में। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के साथ कश्मीर में घुटा भाग शुरू। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने कश्मीर में अपनी फुल बेंच भेजने का ऐलान किया, वैसे ही सियासी दल गुणा भाग में लग गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूख अब्दुल्ला ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की। निर्वाचन आयोग राज्य की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हो जाता तो संभव है कि जम्मू और कश्मीर में चुनाव अप्रैल या मई 2024 में ही हो जाए। पुनर्गठन के बाद जम्मू कश्मीर की एक पृष्ठभूमि। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 भारत की संसद का एक अधिनियम है, जिसमें भारत प्रशासित जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 भारतीय प्रशासित केंद्र शासित प्रदेशों, जिन्हें जम्मू और कश्मीर और लद्दाख कहा जाता है, 2 अलग अलग संघ शासित राज्य बने जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इस अधिनियम में 103 खंड शामिल है। यह 106 केंद्र कानून को केंद्र शासित प्रदेशों का विस्तार करता है, 153 राज्य कानून को निरस्त करता है और अन्य चीजों के अलावा जम्मू कश्मीर विधान परिषद को समाप्त करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के निरस्तकरण को वैध ठहराया। 11 दिसंबर 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के भारत सरकार के फैसले को बरकरार रखा। मानवाधिकारों की जांच के लिए आयोग। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश संजय किशन कौल ने कहा कि 1980 के बाद से मानवाधिकार की घटनाओं की जांच के लिए एक आयोग आवश्यक होना चाहिए, राज्य या गैर राज्य अभिनेताओं द्वारा होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में 5 और लद्दाख में 1 लोकसभा सीट। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम भारत प्रशासित राज्य को 2 भारतीय प्रशासित केंद्र शामिल प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करता है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। विधानसभा चुनाव के बाद एलजी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेंगे। अधिनियम में प्रावधान है कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239(a) के अनुसार होगा। असेंबली चुनाव के बाद विधानसभा सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर राज्य सूची के किसी भी मामले के लिए कानून बना सकती है।
जो केंद्र सरकार की कानून बनाने की शक्ति के रूप में रहेगी। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य की विधान परिषद को समाप्त कर देती है। नगर पालिका और पंचायत चुनाव। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में पहला चुनाव 2020 के आखिरी दो महीनों में जिला विकास परिषद, नगर पालिका और पंचायत स्तर के निकाय के उपचुनाव के रूप में हुआ था। स्टेटहुड पर दिल्ली में चर्चा। 24 जून 2021 को नई दिल्ली में जम्मू और कश्मीर के नेताओं की एक बैठक में राज्य का दर्जा देने परिसीमन के बाद चुनाव पर चर्चा की गई थी। बैठक के दौरान राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा उठाया गया, जिसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने स्वीकार किया और अब वहां चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।